दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे मोटो G72 स्मार्टफोन को OnePlus Nord CE2 Lite स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि मोटो के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले के मामले में यहां पर तो भाई जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यार अगर आपको मेनली कंटेंट वॉचिंग प्लस गेमिंग के हिसाब से एकदम बढ़िया वाली डिस्प्ले लेनी है ना, यानी कि 10 बिट वाली, तब आप यहां पर भाई मोटो की तरफ जरूर से जाइए। और यहां पर यार ये OnePlus मतलब नाम है तो कुछ भी यार, सिर्फ IPS LCD भाई जस्टिफाई नहीं कर रहा यार सही में। और अगर दोस्तों बात करें यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको बता दूं कि मोटो का फोन आउट ऑफ द बॉक्स 12 के साथ में आता है जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। और अगर हम यहां पर बात करें चिपसेट की, तो आपको बता दूं कि मोटो फोन के अंदर हमें MediaTek Helio G99 4G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहां पर भाई दोनों चिपसेट एकदम बढ़िया हैं। और अगर हम बात करें एंटूटू स्कोर की, तो दोनों स्मार्टफोन्स का हमें 3,75,000 के करीब देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा स्कोर है। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो की, तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस डेप्थ कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। बस दोस्तों OnePlus ने यही दिया हमें मैक्रो डेप्थ यूजलेस कैमरा, इन्होंने कोई अल्ट्रा वाइड वगैरह भाई कुछ भी नहीं दिया यहां पर। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर भाई मोटो का फोन ही विनर है। और अगर दोस्तों हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है एटलीस्ट 60 वोल्ट होता ना, तो भाई बढ़िया ही बात होती है। और अब बारी आती है दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो आपको बता दूं कि मोटो का फोन यहां पर 4G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों अब ये मत समझना कि मोटो भाई 4G है तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 4G 4 साल तक तो कम से कम बंद तो होने नहीं वाला, इसलिए आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है जो कि सिर्फ 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। क्या ही 5G का मजा ले पाओगे भाई आप उसमें अब। और अगर हम बात करें 3.5mm जैक की, तो हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। और अब बारी आती है दोस्तों स्पीकर्स की, तो आपको बता दूं कि मोटो का फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। ब्रांड है तो मतलब सिंगल स्पीकर, वाह नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में यहां पर मोटो का फोन अगेन विनर है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि मोटो फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 19,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपके कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, मोटो को या OnePlus को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और यार अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यार आपको यहां पर मोटो की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। बेशक 4G है, लेकिन यार जो स्पेसिफिकेशन हमें मिल रही है ना भाई, वो OnePlus फोन से तो काफी बढ़िया ही देखने को मिल रही है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।